ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना वंदे वंदे सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। प्रेक्षा ध्यान के प्रारंभिक चार चरण शुरुआत के जो चार चरण कराए जाते हैं, तो प्रेक्षा ध्यान के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे, उसके बाद हम प्रयोग करेंगे। शास्त्रों में उल्लेख आता है देव और दानवों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, ऐसा उल्लेख शास्त्रों में आता है। समुद्र का मंथन किया तो अमृत और गरल गरल यानी जहर, अमृत और जहर प्राप्त हुआ। समुद्र का मंथन लंबे समय तक करने के बाद उसमें से अमृत और जहर निकला, ऐसा शास्त्रों में बताया जाता है। तो हमारे दसवें आचार्य महाप्रज्ञ जी ने हमारे देश में जितनी भी ध्यान पद्धतियां प्रचलित है उनका मंथन किया। देश जब आजाद हुआ तब आचार्य तुलसी ने देखा कि जो ध्यान पद्धतियां हमारे पुराने समय में पुराने काल से चली आ रही थी धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है,
तो उन्होंने अपने शिष्य महाप्रज्ञ जी को निर्देश दिया, इन ध्यान साधनाओं का अध्ययन करो और एक ऐसी ध्यान पद्धति बताओ जो सरल हो, सहज हो, हर कोई कर सके। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो ध्यान पद्धतियां हमारे देश में पुराने काल में चल रही थी सबका गहन अध्ययन किया, उनका मंथन किया। लेकिन आचार्य महाप्रज्ञ जी के मंथन से केवल अमृत ही निकला, केवल अमृत निकला। और वो अमृत ऐसा अमृत है जिसका रस, जिसका स्वाद हम चख लेते हैं तो फिर वो छूटता नहीं है। जो भी ध्यान की गहराई में चले जाते हैं इतना आनंद आता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो जो ये जो अमृत आचार्य महाप्रज्ञ जी ने निकाल कर हमारे सामने रखा, उस ध्यान पद्धति का नाम है प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा ध्यान बहुत ही सरल पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, और हर कोई इस ध्यान की प्रक्रियाओं को समझ सकता है। तो ऐसी एक पद्धति हमारे सामने है और उसमें प्रारंभिक चार चरण जो है बिल्कुल आसानी से सभी कोई कर सकते हैं, प्रारंभिक चार चरण। तो आज हम प्रारंभिक चार चरण के बारे में बात कर रहे हैं। तो ध्यान साधना के लिए किन बातों का ध्यान रखना है इस पे थोड़ी चर्चा करें। त्रिगुप्ती साधना, त्रिगुप्ती शरीर, वाणी और मन। शरीर की स्थिरता, शरीर की स्थिरता रखने के लिए हम आसन करते हैं, आसनों का अभ्यास, योगी क्रियाएं करते हैं, हमारा शरीर लचीला होता है। जब हम आसन प्राणायाम करेंगे तो हमारा शरीर लचीला होगा, हमारा शरीर स्थिर रहेगा। और ये आसन प्राणायाम ध्यान के ही अंग है। तो आसनों का अभ्यास से हम शरीर की स्थिरता को प्राप्त करते हैं। वचन से मौन हो जाना, शरीर से तो स्थिर हो गया, वचन से मौन। वचन से मौन, खाली नहीं बोलना ही मौन नहीं होता है। हम बाहर से तो देखने में हम बात नहीं कर रहे, लेकिन अंदर ही अंदर हमारे वार्तालाप चलता रहता है, अंदर ही अंदर वार्तालाप चलता है। वो भी जब तक चलेगा तब तक ध्यान नहीं सधेगा। तो वाणी से मौन, मन शरीर गुप्ती, शरीर की स्थिरता, वचन गुप्ती, हमारा जो अंदर ही अंदर जो वार्तालाप चलता है वो भी नहीं चलना चाहिए, वाणी से बिल्कुल मौन। और तीसरा है मनोगुप्ती, मनोगुप्ती ये सबसे ज्यादा मुश्किल है। शरीर से स्थिरता भी मिल जाती है, मौन भी हो जाते हैं, मन भी, वाणी भी स्थिर हो जाती है, लेकिन मनोगुप्ती को साधना बहुत मुश्किल है। मनोगुप्ती, मन हमारा इतना चंचल है, वो अभी यहाँ है, अभी कहाँ चला जाएगा, अमेरिका चला गया, कभी लंदन चला गया, कभी कहीं चला गया, एक पल में कहीं का कहीं चला जाता है। तो ये मनोगुप्ती जो है ये बहुत जरूरी है। तो मन हमारा जो है एक बेलगाम घोड़े की तरह होता है। घोड़े को अगर लगाम नहीं रहे तो क्या होगा, इधर भागेगा, उधर भागेगा, उधर भागेगा, इधर उधर भागेगा, कंट्रोल में नहीं रहेगा। अब आपने घोड़े को अगर रस्सी से बांध दिया, एक लंबी रस्सी से बांधा और खूंटे से साथ बांध दिया, तो क्या है, वो भागेगा लेकिन एक घेरा हो जाएगा, उससे आगे नहीं जा पाएगा, घेरे पे गोल गोल चक्कर लगाएगा रस्सी से अगर बांध दिया तो। और ज्यो ज्यो हम रस्सी को खींचेंगे क्या होगा, घेरा छोटा होता जाएगा। लंबी रस्सी है तो घेरा बड़ा, ज्यो ज्यो रस्सी को हम छोटा करेंगे घेरा छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा। और रस्सी को बिल्कुल छोटा कर दिया तो फिर घेरा बिल्कुल छोटा हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे मन को केंद्रित करने के लिए उसको एक रस्सी से बांधना पड़ेगा और उस रस्सी को खींचते खींचते धीरे धीरे छोटी से छोटी और छोटी और छोटी करते हुए उसको एक स्थान पे केंद्रित करना पड़ेगा। तो मनोगुप्ती जो है इसकी साधना भी हम करते हैं, इसके लिए बहुत से प्रयोग बताए जाते हैं, चित्त की एकाग्रता कैसे बढ़े, बहुत सारे प्रयोग हम करते भी बीच बीच में करवाते भी है। तो इस तरह से हमें तीनों प्रकार की जो गुप्तियां है उसकी साधना इसमें की जाती है। और दूसरा इसमें आता है हमारे श्वास का नियंत्रण,
श्वास पे नियंत्रण होना चाहिए। तो श्वास के नियंत्रण के लिए हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। प्राणायाम पूरी श्वास की प्रक्रिया है। कोई भी प्राणायाम करते हो उसके साथ श्वास जुड़ा हुआ होता है। अपने अंदर प्रवेश करना है तो श्वास हमारा सबसे अच्छा माध्यम है अंदर प्रवेश करने के लिए, अंतर्मुखी होने के लिए। कहीं आपको जाना है तो आपको बाहर की जरूरत होती है ना, तो अंदर जाना है हमें तो हम चित्त को श्वास पे टिका देंगे और श्वास को देखेंगे तो श्वास के साथ साथ हम अंदर अपने अंदर प्रवेश करेंगे। तो इस प्रकार से हम ध्यान की साधना जब करने बैठते हैं तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। शरीर की स्थिरता, वाणी की स्थिरता, मन की स्थिरता और अंदर प्रवेश करने के लिए श्वास पे नियंत्रण होना चाहिए। तो इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हम ध्यान की गहराई तक उतर पाएंगे। और एक दिन में आप ध्यान करोगे तो होना नहीं है, रोज आपको अभ्यास करना है, डेली अभ्यास करना है। एक नियमित समय, एक स्थान, एक दिशा में मुंह करके आप ध्यान साधना सुबह सुबह सूर्योदय के समय करना चाहिए। ये सबसे बढ़िया समय बताया गया है। तो ध्यान साधना हम यहाँ करते हैं, आप भी कर रहे हो, आपको निश्चित रूप से अच्छा भी लग रहा होगा और धीरे धीरे आपकी ध्यान साधना सद भी रही होगी, अच्छा भी लग रहा होगा। जितना ज्यादा अभ्यास होगा उतना ही अधिक गहरा, अधिक गहरेपन का ध्यान आपको सदेगा। तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए हम ध्यान का प्रयोग करेंगे। ध्यान के चार चरण में पहला चरण बताया गया है कायोत्सर्ग, दूसरा आता है अंतर यात्रा, फिर दीर्घ श्वास प्रेक्षा और ज्योति केंद्र प्रेक्षा। अब इसको करते हैं तो क्रमबद्ध क्यों किया जाता है, पहले कायोत्सर्ग क्यों और आखिरी में ज्योति केंद्र प्रेक्षा क्यों किया जाता है? तो पहले कायोत्सर्ग करना का मतलब है पहले हमें शरीर को शिथिल करना है। शरीर की शिथिलता जब तक नहीं सदेगी, शरीर स्थिर भी होता है शिथिल भी होता है। तो मैंने बताया शरीर गुप्त काय गुप्ति, तो काय गुप्ति हमें कायोत्सर्ग से ही प्राप्त होती है। आसन प्राणायाम से शरीर लचीला होता है, कायोत्सर्ग करते हैं तो बिल्कुल शरीर हमारा शिथिल हो जाता है। तो कायोत्सर्ग से हम ध्यान शुरू करते हैं, उसके बाद में अंतर यात्रा और दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रयोग है जो प्रारंभिक अवस्था में नहीं करते, बाद में करवाए जाते हैं। शरीर प्रेक्षा है, लेशा ध्यान है और जो भी है बाद में करते हैं। तो ये जो शरीर प्रेक्षा और श्वास प्रेक्षा करते हैं इसमें हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है, उष्मा पैदा होती है। शरीर में एक उष्मा पैदा होती है, वो गर्मी, वो उष्मा कहीं गलत दिशा में ना चली जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए आखिरी में ज्योति केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग किया जाता है। उष्मा को कंट्रोल करने के लिए, हमारी शरीर में गर्मी या उष्मा आई है उसे सही दिशा में नियोजित करने के लिए चौथे चरण में ज्योति केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग। अब तीसरे चरण में, दूसरे चरण में कोई भी प्रयोग कर लो, लेकिन आखिरी में आपको ज्योति केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग करवाया जाता है ताकि हमारी जो उष्मा है वो कहीं गलत दिशा में ना चली जाए। जो गर्मी हमारे शरीर में पैदा हुई है, जो शक्ति जागृत हुई है, उस शक्ति को सही दिशा में नियोजित करने के लिए अंत में हम ज्योति केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं। तो ज्योति केंद्र प्रेक्षा कोई आपसे पूछ ले भी आखिरी में क्यों करवाते हो, तो इसका सही जो आपको जवाब मिल गया अभी, और कायोत्सर्ग पहले क्यों करना चाहिए उसके भी मैंने जानकारी आपको करा दी। तो अब आइए ध्यान का प्रयोग प्रारंभ करेंगे। ध्यान के लिए तैयार हो जाए, ध्यान की पूर्व तैयारी, आसन का चयन करें। जिस आसन में आप सुविधापूर्वक बिना हिले डुले लंबे समय तक बैठ सकते हैं उस आसन का चयन कर लें। जैसे सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। एक आसन में लंबे समय तक बैठने में अगर तकलीफ हो रही हो तो आप धीरे से आसन बदल भी सकते हैं। आसन का चयन करने के पश्चात मुद्रा का चयन
ज्ञान मुद्रा या वितराग मुद्रा, इसे वितराग मुद्रा भी कहा जाता है और ब्रह्म मुद्रा भी कहा गया है। दो नाम है इसके, वितराग मुद्रा या ब्रह्म मुद्रा। तो ध्यान के लिए ये मुद्रा उत्तम मुद्रा बताई गई, वितराग मुद्रा, और आसन पद्मासन। अगर आपसे हो तो पद्मासन में बैठे और वितराग मुद्रा लगाए, अगर नहीं हो तो कोई भी आसन चयन कर ले और आप ज्ञान मुद्रा भी लगा सकते हो। दोनों मुद्राओं में किसी एक मुद्रा का चयन कर ले। मेरुदंड गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। श्वास की गति को मंद करें। पूरी स्थिरता और पूरी जागरूकता, शरीर में किसी तरह की हलन चलन नहीं। अहम की ध्वनि सूत्र संपेखई आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें, अपने आप को देखने के लिए ही प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान का संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। अब शिथिलीकरण, पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक शरीर के प्रत्येक अवयव, शरीर के एक एक अंग पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। पहले सुझाव, फिर अनुभव। अनुभव करें शरीर की सारी मांसपेशियां, सारे स्नायु शिथिल हो रहे हैं। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है।
सिथु ओ रहा सिथु ओ अनुभव करें पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है, चित्त को पूरे शरीर में फैलाए और पूरे शरीर की प्रेक्षा करें और अनुभव करें पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो चुका है, कहीं भी कोई अकड़न या जकड़न नहीं, पूर्ण शिथिलीकरण। ध्यान का दूसरा चरण अंतर यात्रा या इंटरनल ट्रिप। अंतर यात्रा में चित्त की यात्रा चलेगी शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र और फिर वापस ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र तक। चित्त को शक्ति केंद्र पर केंद्रित करें, शक्ति केंद्र रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे का हिस्सा। चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए धीरे धीरे चित्त को सुषुम्ना मार्ग से ऊपर की ओर लेकर आए। सुषुम्ना मार्ग हमारे मेरुदंड के अंदर सुषुम्ना मार्ग, उस मार्ग से चित्त को धीरे धीरे ऊपर की ओर लाते हुए ज्ञान केंद्र तक लेकर आना है। ज्ञान केंद्र मस्तिष्क का बिल्कुल ऊपर चोटी का भाग। ज्ञान केंद्र पर आने के पश्चात वापस उसी मार्ग से चित्त को नीचे की ओर ले जाते हुए शक्ति केंद्र तक लेकर जाए। चित्त की यात्रा चले शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र, ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र। शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र, ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। अब चित्त की गति के साथ श्वास की गति को जोड़ना है। चित्त को ऊपर लाते समय श्वास छोड़ते हुए चित्त को ऊपर लेकर आए। श्वास भरते हुए चित्त वापस नीचे। जिस तरह ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन में रबड़ का गोले को गोला संकुचित होता है, पारा ऊपर आता है, गोला फूलता है, पारा नीचे आता है, ठीक उसी तरह चित्त ऊपर, पेट अंदर, श्वास बाहर। चित्त नीचे, श्वास अंदर, पेट बाहर। चित्त ऊपर, पेट अंदर, चित्त नीचे, पेट बाहर।
चित्त और श्वास की गति साथ साथ चलती रहे। पूरी चेतना को सुषुम्ना मार्ग पर केंद्रित कर दे। सुषुम्ना मार्ग से चित्त की यात्रा चल रही है, वहां पर हो रहे प्रकंपन स्पंदन उनको अनुभव करे। सुषुम्ना मार्ग पर हो रहे प्रकंपन स्पंदन महसूस हो रहे हैं। शक्ति का ऊर्ध्वारोहण या चेतना का ऊर्ध्वारोहण, शक्ति केंद्र, शक्ति का भंडार अनुभव करें। चित्त के साथ साथ शक्ति केंद्र से शक्ति पुंज ऊपर की ओर आ रहे हैं। ज्ञान केंद्र पर आने के पश्चात शक्ति पुंज को वहीं संचित करते हुए खाली चित्त नीचे आ रहा है, जिस तरह कुएं से पानी भरकर बाल्टी ऊपर आती है, ऊपर आने के पश्चात पानी को खाली करती है और खाली बाल्टी वापस नीचे या अंदर जाती है, ठीक उसी तरह अनुभव करें। चित्त के साथ शक्ति पुंज ऊपर की ओर आ रहे हैं। ज्ञान केंद्र पर शक्ति पुंज को संचित करते हुए खाली चित्त नीचे जा रहा है। चित्त को ऊपर लाते समय मूल बंद लगाते हुए शक्ति का संप्रेषण ऊपर की ओर करें। मूल बंद खोलते हुए चित्त को वापस नीचे ले आए। मूल बंद लगाते हुए चित्त ऊपर, मूल बंद खोलते हुए चित्त नीचे। मूल बंद लगाते हुए चित्त ऊपर, मूल बंद खोलते हुए चित्त नीचे। ध्यान का तीसरा चरण दीर्घ श्वास प्रेक्षा। श्वास को प्रयास पूर्वक प्रयत्न पूर्वक लंबा करें, लंबा श्वास भरे, लंबा श्वास छोड़े। श्वास की गति को मंद करें। मंद गति लयबद्ध श्वास, जितना समय पहले श्वास को लेने और छोड़ने में लगे उतना ही समय प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में लगाए। श्वास के स्पंदन नाभि तक पहुंचे, श्वास भरते समय पेट फूलना चाहिए,
और श्वास छोड़ते समय पेट सिकुड़ना चाहिए। लंबा श्वास आ रहा है, पेट फूल रहा है, श्वास जा रहा है, पेट सिकुड़ रहा है। पेट फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। चित्त को नाभि पर केंद्रित कर दे और केवल पेट के फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया को देखते रहे, अनुभव करते रहे। केवल पेट को देखते रहे, पेट फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। श्वास की गति जो चल रही है चलने दें, पेट के फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया भी निरंतर जो चल रही है चलती रहे। चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नासिकाओं के अंदर संधि स्थल पर केंद्रित कर दें चित्त को नथनों के अंदर संधि स्थल पर केंद्रित करते हुए केवल आते जाते श्वास को देखते रहना है। लंबा श्वास आ रहा है, जा रहा है। आ रहा है, जा रहा है। जिस तरह एक कार्यालय के दरवाजे पर चौकीदार बैठा रहता है और केवल आते जाते लोगों को देखते रहता है, ठीक उसी तरह चित्त एक चौकीदार की भांति बैठा हुआ है और केवल आते जाते श्वास को देख रहा है। कोई भी श्वास बिना जानकारी के न अंदर आए न बाहर जाए। संधि स्थल पर श्वास का स्पर्श महसूस हो रहा है। श्वास भरते समय संधि स्थल पर हल्की ठंडक महसूस हो रही है और श्वास छोड़ते समय नथनों के अंदर हल्की उष्मा या गर्माहट महसूस हो रही है। इस ठंडक और उष्मा को अनुभव करते रहें, देखते रहें।
बीच बीच में श्वास संयम का अभ्यास करें। श्वास भरने के बाद थोड़ी देर श्वास को अंदर रोकें और श्वास छोड़ने के बाद थोड़ी देर बाहर रोकें। अंतकुंभक और बाह्य कुंभक का अभ्यास। विचार प्रेक्षा, किसी भी तरह के विचार अगर आ रहे हो तो उन्हें रोकने का प्रयास ना करें, उन्हें आने दें और केवल दृष्टा भाव से विचारों को देखना प्रारंभ कर दें। विचारों को रोकने का प्रयास करेंगे तो और ज्यादा आएंगे, इसीलिए उन्हें रोकने का प्रयास ना करें। केवल विचारों को दृष्टा भाव से देखें। विचारों के प्रवाह को रोकने के लिए खेचरी मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रयोग है खेचरी मुद्रा। जिब्बा को पलटते हुए जिब्बा के अग्रभाग को तालू से चिपका दे और जिब्बा के अग्रभाग पर हो रहे प्रकंपनों को देखना प्रारंभ कर दे। जिब्बा पे जो प्रकंपन हो रहे हैं उन्हें देखें। अगर जीभ को पलटने में कोई तकलीफ असुविधा हो रही हो तो जिब्बा को उठाकर हल्की सी उठाकर अधर में रखें या फिर जिब्बा को नीचे की ओर पलटते हुए नीचे के दांतों के मसूड़ों में चिपका दें। अग्रभाग को नीचे के दांत के मसूड़े में लगा दें और जिब्बा पे जो प्रकंपन स्पंदन हो रहे हैं उन्हें देखना प्रारंभ कर दें। विचारों का सिलसिला धीरे धीरे कम होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा विचारों का प्रवाह रुक जाएगा। खेचरी मुद्रा का अभ्यास बहुत ही बढ़िया प्रयोग। इसका अभ्यास नियमित करने से विचारों का सिलसिला कम होता है, चित्त एकाग्र होता है। ध्यान का चौथा चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षा। ज्योति केंद्र हमारे ललाट के मध्य भाग पर चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए श्वेत रंग का ध्यान अनुभव करें। आकाश में पूर्णिमा का चांद उग रहा है और चांद की श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है। चांद की श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है। चित्त को पूरे ललाट पर फैलाते हुए अनुभव कीजिए ये रश्मियां पूरे ललाट पर फैल रही है।
पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहा है। पूरा ललाट सफेद परमाणुओं से भरता जा रहा है। श्वेत परमाणु ललाट के अंदर तक फैल रहे हैं। पूरा ललाट सफेद रंग के परमाणुओं से भर गया है, बाहर से भी अंदर से भी। केवल सफेद रंग दिखाई दे रहा है, ओनली व्हाइट। सफेद रंग शांति का प्रतीक, परम शांति, परम आनंद का अनुभव करें। परम शांति, परम आनंद की अनुभूति। शरीर में अगर जरा सी भी हरकत हो रही है तो उसे रोकें और गहरे आनंद का अनुभव करें। गहरे गहरे आनंद की अनुभूति। दो तीन लंबे श्वास भरे और लंबे श्वास छोड़े। विवेक सूत्र। अपना सच में से मैतिम भुए सुका पाए, स्वयं सत्य खोजे सबके साथ मैत्री करे। आहंसु विज्जा चरणम पमोखम, दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र, दोनों हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवलीपनतम धम्मम शरणम पवज्जामि। श्रद्धा सूत्र, आंखों को बंद रखते हुए आसन बदलते हुए बंदनासन में आ जाए, दोनों हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए तीन बार सत्य की वंदना। वंदे सत्यम्, वंदे सत्यम्, वंदे सत्यम्। ध्यान का प्रयोग संपन्न। धीरे से आंखें खोले, आराम से आसन बदलते हुए सुखासन में आ जाए।
ध्यान के प्रारंभिक चार चरणों का अभ्यास अभी हमने किया। अब दोनों हाथ जोड़ते हुए संकल्प सूत्र, मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं, मेरे अंदर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम।